तो दोस्तों अभी सामान लेके जा रहे हैं और ऑफिस से भर भर कर गिफ्ट मिला है, सामान मिला है, तो रूम पर जाने के बाद आप सबको दिखाएंगे, ठीक है। अभी ट्रेन आ देखे आके अभी लगी है और दो देर के बाद खुलने वाली है। तो चलिए जाते हैं रूम पर, फिर आप सबको दिखाते हैं क्या क्या मिला है हमारे ऑफिस से। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको कहाँ क्या क्या मिलता है ऑफिस से, क्या क्या सेफ्टी का सामान मिलता है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अभी तो एक चीज़ मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ये शूज है और बाकी बैग में टांग रखा हूँ, उसमें कुछ सामान है, ये सब दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस बच्चा को गौर से देखिए, ये बच्चा कौन है। कहीं से आते हैं तुरंत गोदी में आ जाती है ये बच्चा। हम वीडियो बनाते हैं तो एकदम गौर से देखती है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए देखिए एकदम खुश हो जाती है। बोलिए कुछ ये बच्चा। तो दोस्तों ऑफिस से आ गए और आप सबको बोले थे कि जो भी सामान मिला है भर भर के वो दिखाने वाले हैं। कुछ तो मिला है गेट का, जैसे गेट पे ड्यूटी करते हैं तो डायरी हो गया, और जो बाटा रहता है हरा और रेड कलर का वो सब मिला है, वहाँ भी ख़त्म हो गया था तो वही सब डायरी और ये सब मिला था तो लेते आए। और जो ट्रैकमैन को क्या मिला है, हर एक 6 महीने साल भर पर मिलता रहता है। तो चलिए क्या क्या मिला है ऑफिस से गिफ्ट के रूप में, सामान क्या क्या मिला है, और पलक को क्या क्या मिला है, आपको क्या मिला है। पलक को अभी कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है, इसका भी नाम ऐड करवाएंगे नहीं। दीपाली का तो नाम ऐड हो गया है लेकिन पलक का नाम अभी ऐड नहीं करवाए हैं। फालतू को कैसे है भाई, मेरा राजा बेटा डोलना है ने? तो चलिए आप सबको दिखाते हैं दोस्तों, और किन किन भाई को मिलता है जो भी रेलवे ग्रुप डी में जॉब करते हैं, लगे हैं, लगने वाले हैं। तो जिनको जो लगने वाले हैं उनको तो अभी नहीं मिला होगा, जो लग गए हैं उनको मिला होगा। रेनकोट हो गया, शूज वूज ये सब मिला होगा। तो देखिए मैं अपना दिखाता हूँ कि मेरा किस क्वालिटी का है और कौन सा कंपनी का मिला है शूज वगैरह, ठीक है। चलिए आप सबको दिखाते हैं और बताते हैं, ठीक है। आप भी बताइएगा, ठीक है। अभी आए, तुरंत आए तो गोदी में आ गई ऑफिस से। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और पीछे का जो बैकग्राउंड आप सबको दिख रहा है पूरा ख़राब दिख रहा होगा, क्योंकि दीवार इधर का ऐसे ही है और रेलवे क्वार्टर का कंडीशन ऐसा ही रहता है। तो क्या करें, जो भी बैकग्राउंड है मैनेज करिएगा आप लोग। और कपड़ा पसरा हुआ है क्योंकि बारिश उधर होने वाला था, हो रहा था बारिश, तो इधर लेके आ गए, इसीलिए ये सब दिख रहा है। और इधर देखिए डब्बा डुब्बी है, सामान वामान रखा हुआ है। तो चलिए आप सबको दिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, ठीक है। आप भी बताइएगा। पलक, और इस बच्चा का नाम है पलक पलक पलक। दोनों एक ही जैसा कपड़ा पहने, टी शर्ट, पलक भी पहनी है और हम भी पहने हैं, देख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों हमसे छीन रही है बाबू, देखिए ये सब सामान मिला है, आप सबको दिखाते हैं। थोड़ा बैठिए जी पलक बाबू, कुर्सी पर बैठ जाएगी, कुर्सी पर बैठोगी, अच्छा ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बैठ गई है सरकार जी, देखिए हमारे घर का प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी बैठ गए हैं कुर्सी पर और बताने के लिए हमको बोल रहे हैं कि देखिए मेरा जो सामान मिला है, ये जो जैकेट है, ये 6 महीना पर, हर एक 6 महीने पर इतना सामान मिलता रहता है। और ये जैसे अभी गर्मी है, बरसात है, तो बरसात के लिए ये रेनकोट मिला है, इसको खोल के दिखाएंगे आप सबको। और ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है, ये तो हमेशा मिलता रहता है। और ये बरसात के टाइम में मिलता है और ठंडी में कोट मिलता है। कोट भी मैं आप सबको दिखाया था, ठंडी में जब मिला था वो मैं आप सबको दिखाया था। और ये शूज हुआ, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहता है दोस्तों। जो शूज है बाटा कंपनी का है, देखिए दिखाते हैं निकाल के। ये भी हर एक 6 महीना पर मिलता है। जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं ग्रुप डी में, जितने भी ट्रैकमैन हो गया चाहे कीमैन हो गया मेट हो गया, सभी को मिलता है। गेट पे जो ड्यूटी करता है उसको भी मिलता है, सभी को मिलता है। तो देखिए ये भी बाटा कंपनी का है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही एकदम हाई क्वालिटी का है एकदम। देखिए यहाँ पे लेदर है, ये लेदर का बना हुआ है। और देखिए बताने के लिए कह रही है, आप भी बताओ जी। तो ये पूरा लेदर का है, ये नहीं कि हल्का फुल्का लेदर है। और ये इसका सोल देख सकते हैं आप लोग कितना हार्ड है। गिर जाओगे, गिर जाओगे भाई, नीचे उतरने के लिए कर रही है बउआ। बैठिए, कुर्सी पकड़ोगे, बैठिए, गोदी में बैठेंगे। तो दोस्तों ये शूज हो गया, और ये तो रिफ्लेक्टिव जैकेट मैं आप सबको दिखा दिया। और ये रेन कोट हो गया, रेन कोट दिखाते हैं आप सबको खोल के। रेन कोट भी बहुत सारा हो गया, क्योंकि बरसात के ही टाइम में इसको पहनने का रहता है, जब बरसात होता है जब भी। बाकी पूरा 7 दिन तो रखा हुआ रहता है। तो ये भी बहुत सारा हो गया है। देखिए इस क्वालिटी का ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है। लेकिन जो हार्ड वर्क करता है, मेहनत वाला काम करता है, उसके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको पहनने पर इतना गर्मी लगता है और इतना पसीना निकलता है ना कि बाहर के पानी से तो नहीं भींगता है, लेकिन पसीना से इतना भींग जाता है कि पूरा कपड़ा बारिश जैसा हो जाता है। तो जो इधर उधर हल्का फुल्का वाला ड्यूटी है, जैसे इधर उधर टहलने का हो गया, चाहे कोई सामान देखने का हो गया बरसात में, और इधर उधर चलने का हो गया, तो वो सब तो कर सकते हैं। बाकी जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन इसको पहन के अगर काम करेंगे तो उनसे ये नहीं होगा। ऊपर का जो पानी गिरेगा वो तो इससे बच जाता है, लेकिन जब इसको पहनने के बाद जब गर्मी लगता है, पसीना निकलता है, तो पूरा पसीना से शर्ट उट भींग जाता है। तो जैसे जिसको ऑफिस जाना है, रास्ते में कोई फंस गया है, चाहे दूर ड्यूटी के लिए जाना है, तो इसको पहन के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पहन के अगर काम करते हैं तो फिर पसीना से पूरा भींग जाइएगा। जैकेट तो पूरा अच्छा क्वालिटी का है। जैसे बरसात हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, पहन के अगर जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन काम करने में दिक्कत है। तो ये तो मैं आप सबको दिखा दिया। ये 3 सामान मिला है हमको, और हर एक साल हर एक 6 महीना पर मिलता है। 6 महीना जैसे अभी गर्मी है, बरसात है, तो ये जैकेट मिल गया। और ये तो सब दिन मिलता है, जब भी जाते हैं तो ये जैकेट हमेशा मिलता है। तो ये हो गया। बाकी जब ठंडी के टाइम में मिलेगा, अभी 6 महीना के बाद ठंडी, जब ठंडी का टाइम आएगा तो ये शूज मिलेगा, ये जैकेट मिलेगा, फिर जो ठंडी का जो कोट रहता है, जैकेट रहता है, वो मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 सामान मिला है, मैं आप सबको दिखा दिया और बता भी दिया। और बाकी कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये सब सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पलक भी दिखा रही है आप सबको, खोल खोल के दिखाइए। देखिए सूज दिखा रही है आप सबको, बंद कर दीजिए। और ऊपर में देखिए लिखा हुआ है सेफ्टी शूज, देखिए इधर भी द सेफ्टी शूज बाटा कंपनी का है। देखिए खोल खोल के, बार बार खोल खोल के दिखा रही है। दोस्तों आप सबको दिखा देते हैं ये शूज का कीमत कितना है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1199 रुपया का है, और अच्छा क्वालिटी का है। और 8 नंबर का है, मेरा जो जूता होता है 8 नंबर का है। बाकी ये सब में तो रेट नहीं लिखा हुआ है, रेनकोट भी है तो उसमें रेट नहीं लिखा हुआ है। ये जो शूज़ है ये बाहर से आता है। इससे पहले वाला जो शूज़ मिलता था वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था। और जो ट्रैकमैन है, जो उनका तो वर्क रहता है गिट्टी पर, इधर उधर जाने के लिए आने के लिए गिट्टी पर दिन भर रहना पड़ता है, गिट्टी पर बुनना पड़ता है, तो जल्दी टूट जाता था वो सूज। इससे पहले जो मिलता था तो सब जितने भी ट्रैकमैन थे सब ने कंप्लेन किया, तो फिर दूसरा ये बाटा कंपनी का मिलने लगा है। तो देख सकते हैं यह आपको रेट भी दिखा दिए हैं, मतलब 1199 समझ लें 1200 है, 1200 का है। और हर एक 6 महीना पर रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। तो दोस्तों आप सबको दिखा दिए ये 3 सामान जो मिला था, और बाकी और भी गेट का सामान मिला था, जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ के लिए जो डायरी रहता है जिसमें गाड़ी का नंबर, नाम, टाइम ये सब लिखते हैं, वो सब भी डायरी मिला था। और जो झंडी रहता है हरा कलर का और रेड कलर का, वो भी झंडी मिला था। तो वो तो जो ड्यूटी जा रहा था उसको हम दे दिए, तो लेके चला गया। बाकी जो हमको मिला था मैं आप सबको दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। जब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है।